प्रोग्राम देख रहे हो, पंप हो गया। बाइसेप्स बन जा प्लीज। फोर दो चार दिन खाने को मिला, फिर से डाइट पे आ गया हूं। आज कम बातें करनी है, पर बात निकल जाती है मेरे से ना, बिल्कुल ही चीटिंग नहीं कर पा रहा। जो भी लिफ्ट हो रहा है बाइसेप्स ही लिफ्ट हो रहा है। पहले पूरा लिटा दिया नीचे, कोई जर्क ही ना, कमर हिला ही ना सके, समझ रहे हो। ये पब्लिक है सब जानती है, पब्लिक है सब जानती है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। अब जब कल का पता ही नहीं है तो आज ही करते हैं, और मैं आया हूं तो क्या करूंगा, क्या कर सकता हूं यार। मैं ताबड़तोड़ एक्सरसाइज करूंगा और आप सभी लोगों को भी सिखाऊंगा। और आज आप सभी लोगों का फेवरेट मसल करने का मूड है। अरे लड़के तो खुश हो जाएंगे, कैसे। अरे भैया फेवरेट तो क्या होगा, फेवरेट होगा बाइसेप्स। कितने खुश हो गए ना तुम सब लोग कि बड़े दिन से इंतजार था यार बाइसेप्स की वीडियो। चलो कोई नहीं, खुश रहो, क्योंकि आज मैं बाइसेप्स ट्रेन करने वाला हूँ, ट्राइसेप नहीं, सिर्फ बाइसेप्स। तो सोचा इसको शूट करते हैं एज यूजुअल, जैसे हम व्लॉगिंग शूट करते हैं, और आप सभी लोगों को बताते हैं कि कौन सी ऐसी चार एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ जिसने मुझे एशिया चैंपियनशिप के दौरान वो जो स्टेज पे पीक दिख रही थी ना गोल गोल, वो बनाने में मदद की है। अब जब मुझे मदद की है तो आपको भी करेगी, तो ये चार एक्सरसाइज आप कर लेना, और करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी। और मैं थोड़ा प्री वर्कआउट पी लूं। और सुनो ठीक ठाक हो, कुशल मंगल सब बढ़िया। चलो आज ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्विक एंड इफेक्टिव वर्कआउट फॉर बाइसेप्स मसल। अब क्या करना है, आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, दो चार मिनट। तो इससे पहले कि मैं मेन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ूं, एक बहुत ही लाइट वेट लेके, बहुत लाइट वेट एक 15-20 रेपिटेशन डंबल कर्ल कर लेते हैं, वो आप भी कर सकते हो। लाइट मींस बिल्कुल लाइट, तो मैंने ढाई ढाई लिया है। एटीन 19, 20। तो वार्म अप हो गया, अब हम अपनी मेन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। वार्म अप हो चुका है, बाइसेप्स मसल को ट्रेन करने के लिए पहली एक्सरसाइज करेंगे वन आर्म लाइंग केबल कर्ल। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बट मेरी सलाह यह रहेगी कि मॉडरेट वेट से करें, सो दैट आप अपने बाइसेप्स मसल को टारगेट कर पाए। अब समझ में आ रहा है आपके, वन आर्म मतलब एक एक हाथ से करेंगे, केबल इस तरह की होगी, डी हैंडल अटैच करेंगे, और लाइंग मैंने बोला है तो लेट के करेंगे। सो बेसिकली चीट का, जर्क मारने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। सो क्या करना है आपको, जस्ट लाई डाउन ऐसे, लेट जाओ पूरा,
और वेट को, जो कि वहाँ पे वेट है, उसको पूरे बाइसेप्स मसल पे हैंग कर दो, ठीक है। और यहाँ से आप हैंडल को पुल करो टिल द टाइम आपका बाइसेप्स मसल पूरा स्क्वीज ना हो जाए। होल्ड इट हेयर, स्क्वीज करो एंड रिलीज इट। बट ध्यान रहे, जब भी आप रिलीज करोगे स्लोली, वन एंड देन टू, तो सारा खेल जो है वो स्क्वीज एंड रिलीज, तीन इस तरह से करना है, चार। तो इसमें बेसिकली आप चीट नहीं कर पाओगे। पांच, 12 रेपिटेशन, 6, 10, 11, 12। पहला सेट कर रहे हैं, 12 रेपिटेशन कर लिए, तुरंत हम दूसरे हाथ से 12 रेपिटेशन करेंगे। बट आपको अपनी बस रिदम पे कंट्रोल रखना है, जर्क नहीं मारना बिल्कुल। लाई डाउन स्ट्रेट, वेरी गुड, स्क्वीज। जितना बाइसेप्स को स्क्वीज करोगे उतना आपकी पीक जो है वो अच्छी हो जाएगी। 4, 5, 10, 11 and 12। और मैं पहला सेट जो कर रहा था वो मैं 10 किलो से कर रहा था, मींस वेरी लाइट। बट हमें नंबर ऑफ सेट्स जो यहाँ पे करने हैं वो हम 3 ही करेंगे, छोटा मसल है, क्विक एंड जल्दी से ट्रेन करेंगे। नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप इस पूरे वर्कआउट को 45 मिनट में ख़त्म कर दोगे। तो मेरी जो भी बेस्ट ऑफ नॉलेज है मैं खुद पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, आप सभी लोगों को शेयर करता हूँ। और जो ये व्लॉग शूट हम करते हैं, मेरा ऐसा मानना है इससे बहुत सारे लोगों को बहुत हेल्प होती होगी। होती है, लिखो कमेंट बॉक्स में अगर होती है तो। इससे पहले कि हम अगले सेट की तरफ बढ़े, तो जैसे कि आपने वीडियो के शुरुआत में देखा कि मैं एक प्री वर्कआउट पी रहा था जो कि है पावर हाउस बाय 2x न्यूट्रिशन, जो अपना ही ब्रांड है। ये प्री वर्कआउट सिर्फ वर्कआउट से पहले की सेंसेशन के लिए नहीं, बल्कि वर्कआउट की प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। इससे आपको मसल में अच्छा पंप तो फील होगा ही, उसके साथ साथ पहली एक्सरसाइज के पहले रेपिटेशन से लेके लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट रेपिटेशन तक आपकी एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी। पावर हाउस की एक और खास बात कि इसको पीने से आपको बहुत सारे बाकी प्री वर्कआउट की तरह किसी भी तरह की बॉडी में टिंगलिंग या अनइजीनेस नहीं होती। वर्कआउट में आपका फोकस बहुत बेहतर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी इंप्रूव हो जाएगी। पावर हाउस मैंगो फ्लेवर में अवेलेबल है, जो कि पीने में बहुत ही डिलीशियस है। आपको वर्कआउट से 15 से 20 मिनट पहले एक सर्विंग यानी कि 2 स्कूप कंज्यूम करना है, और आप खुद जान जाओगे कि पावर हाउस एक बहुत ही बेहतर क्वालिटी का प्री वर्कआउट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूं, क्लिक करके मेरे कहने से एक बार पावर हाउस एज ए प्री वर्कआउट जरूर ट्राई करें। अब बहुत ज्यादा रेस्ट नहीं करना, अपने सेकेंड सेट की तरफ बढ़ेंगे और सेट को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि लास्ट सेट बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं था, और कह सकते हो काइंड ऑफ वार्म अप सेट था, बट ये मेरा फेलियर सेट होगा जिसमें मैं वेट कर रहा हूँ 20 kg, एंड मेरा टारगेट रहेगा 10 तो करूं, ठीक है। बट क्योंकि मुझे फेलियर करना है, अगर मैं 10 की बजाय 12 रेपिटेशन कर पाया तो मैं 12 भी करूंगा। और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि आप दूसरे हाथ से हेल्प भी ले सकते हो। 1, 2, 3 स्क्वीज, 4, 5, 10, 11, 1 more,
यहाँ पे रुक गया मेरा हाथ, तो इस हाथ से मैं थोड़ा सपोर्ट लेके रेपिटेशन को कंप्लीट करूँगा। ये बेनिफिट है सिंगल सिंगल हाथ से करने से, और क्योंकि मैं सिंगल सिंगल हाथ से कर रहा हूँ, जब आप इसको ट्राई करोगे तो आपके दोनों मसल इक्वली ट्रेन होंगे। जैसे मैंने यहाँ से पुल किया, और अगर मुझे यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं दूसरे हाथ से इस रेपिटेशन को कंप्लीट करूँगा। 1, 2, 3, 4, 11, 12। डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। अब एक्सरसाइज करते हो ना, थोड़ा खुश रहना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि इतनी टफ एक्सरसाइज करनी है, मसल में तो पेन है ही, तो उस पेन को भुलाने के लिए तो द बेस्ट इज़, मैं तो पंजाबी म्यूज़िक सुनता हूँ और पता ही नहीं चलता, मतलब इंटेंसिटी बेहतर हो जाती है वर्कआउट की आई थिंक म्यूज़िक के साथ। लास्ट सेट हमने किया था 20 से, 12 रेपिटेशन कर लिए थे, तो मैं एक 25 से करूँगा अपना अंतिम सेट, यानी तीसरा सेट। बट 25 में क्या होगा, हो सकता है मैं 12 रेपिटेशन ना कर पाऊँ, तो हम क्या करते हैं, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा यार, तो हम वेट को ड्रॉप करते हैं, समझे, उसको बोलते हैं ड्रॉप सेट। किया, वेट कम किया, फिर किया, लेट्स डू इट। आज कम बातें करनी है, बट बात निकल जाती है मेरे से ना, आदत से मजबूत। चलो लेट्स डू इट, 12, देखते हैं मैं इतने वेट से कितने कर पाता हूँ, फिर ड्रॉप करेंगे। हाँ, 1, ये बात, स्क्वीज इट अप, 2, हाँ, 3, हाँ, 8, हाँ, 8 हुए हैं। तुरंत हम वेट को 25 से 15 पे ले आएंगे, और फिर 9 से काउंटिंग शुरू करेंगे। फेलियर करना है, 9, 10 फेलियर, 14 फेलियर, फिर कर देंगे 25, बाइसेप्स बंजा, बाइसेप्स बंजा, 2, कम ऑन, 3, बाइसेप्स बंजा प्लीज, 4, हाँ, 5, हाँ, 8, कम करो, बाइसेप्स बंजा, बाइसेप्स बंजा, बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया, 9, बन गया बन गया बन गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पावर हाउस, बन जा बन जा बन जा। हाँ, 20 सालों में इतना ही बन पाया, तुम दो, बहुत सारे लोग 2 महीने में भी बना रहे हैं, पता नहीं कैसे बनाते हैं 2 महीने में, ये बन पाया 20 साल में। कोई तो बोलता है यार 20 साल में क्या ही बनाया ये। और इसी के साथ हम पहली एक्सरसाइज खत्म भी कर चुके हैं, दूसरी एक्सरसाइज की तरफ आ गए हैं, लो इंक्लाइन डंबल कर्ल, मतलब 35 डिग्री, 35 डिग्री। तो प्रिपरेशन मैं कर रहा हूं 12:30 से, ठीक है, मूवमेंट देखना बस आप, चलो। लेफ्ट, कम ऑन, लेफ्ट, 5, वेट से ज्यादा रिदम, कम ऑन, 5, 6, प्रिपरेशन में ही जान निकल गया,
आठ नौ दस रेपिटेशन कर लिया। पहला सेट पानी पी लूँ थोड़ा यार। सेकंड सेट की तरफ आ गए और वेट जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया, 12 की बजाय अब 15 किलो का डंबल से करेंगे। टारगेट वही रहेगा 10-10 रेपिटेशन, ठीक है। और हो सकता है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत भी पड़े, लेट्स सी। तो ये मूवमेंट इतनी वो है ना, आदमी ना हिल नहीं सकता थोड़ा भी। लो जी फंस गया आदमी। Two, 4 better, अच्छा है। Come on. 5 ये बात, 5 और, कमन, बेहतर, कमन, 4 मो, वेट नहीं भी ज्यादा बढ़ाया, हेल्प भी नहीं ली, बट फिर भी बिल्कुल लास्ट के रेपिटेशन को जब फिनिश कर रहा था तो ऑलमोस्ट फेलियर हो चुका था। तो दिस इज कॉल्ड बेहतर सेट, समझ रहे हो? सब समझते हो तुम लोग, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक है सब जानती है, इससे कुछ नहीं छुपा। किसी को भी हीरो बना दे और किसी को भी जीरो, तो हमारी बागडोर तो तुम्हारे हाथों में, संभाल के रखना। वैसे तुम लोग संभाल के रखते हो। लास्ट सेट करते हैं, थर्ड सेट की तरफ आ गए हैं और ड्रॉप सेट कर रहे हैं। तो ड्रॉप में मैंने चूज़ किया है 17.5 और 12, तो मैं पहले 17.5 से करूँगा फिर 12 से, बट मैं थोड़ी हेल्प लूँगा। चिटिंग का कोई स्कूप नहीं है, बहुत अच्छे। 2 3 कंट्रोल देख रहे हो? Last, come on, up. Oh shit. 8 कर लिए, 8 किए थे मैंने। चीटिंग का कोई स्कोप नहीं है भाई साहब। 1 2 कम ऑन ये अंदर चल। 3 1 2 हाँ 3 8 और 3 11, ना 10 ना 12, बिल्कुल ही चीटिंग नहीं कर पा रहा। जो भी लिफ्ट हो रहा है बाइसेप्स से ही लिफ्ट हो रहा है। हाँ, रेस्ट करते हैं थोड़ा। तो फाइनली एक एक्सरसाइज मिली है हमें जिसको खड़े होके करना है, और ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज है। मैं
कोशिश करता हूँ इस एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा करने की, क्योंकि मुझे बहुत इफेक्टिव लगती है और मुझे लगती है तो आपको भी लगेगी। एक्सरसाइज है 21 कर्ल ओल्ड स्कूल, ठीक है। पहला सेट कर रहे हैं लाइट वेट से, और एक छोटी सी बात बस मैं आपको समझाना चाहूँगा, दोनों हाथ के बीच का डिस्टेंस जो है ना आपका, वो शोल्डर वेट रहना चाहिए। 21 मतलब यहाँ से आप 7 रेपिटेशन हाफ करोगे यहां तक, दिस कॉल्ड 1 लाइट वेट, 2 3 बहुत अच्छे, 4 कमर नहीं हिलनी चाहिए, 5 बेटर, 6 एक्सीलेंट, 7 अब जैसे ही 7 हो गए, अब ऊपर से नीचे की तरफ हाफ, बस यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 अब 7 रेपिटेशन पूरे, बस कोशिश करना है जर्क नहीं मारनी, बहुत स्मूथ पूरा बाइसेप्स को निचोड़ देना है। 2 ये बात, come on 3 4 5 come on 6 come on yeah chal 7 21 5 किलो में भी सही से करो ना, जान निकल जाती है। बट 2 सेट और करेंगे और हर सेट में थोड़ा सा वेट तो बढ़ाऊंगा, बट अब कितना बढ़ाऊं कि रिदम जो है वो ना जाए, बट ये बात आपको समझाना चाहूँगा। तो मैं अगले सेट में 2.5 किलो बढ़ा रहा हूँ। हम अपने सेकंड सेट की तरफ आ गए हैं, मोटिव वही है कि जर्क नहीं मारनी, ठीक है, लेट्स डू इट, कम ऑन यतिंदर, लेट्स डू इट, कम ऑन, हा 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 हा, हुप, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कम ऑन, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पूरे 7, 6, 5 जान निकल गई, 4 हाँ, 3 कम ऑन लोड अप, 2 लास्ट वन, अति उत्तम, बढ़िया, हाँ वेट मैंने 21 कर लिए, किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई हेल्प नहीं ली, बट ये ज़रूरी नहीं है हेल्प ली जाए, बट हाँ मतलब मैं थोड़ा सा और वेट बढ़ा सकता हूँ, और अगर लगा मुझे कि हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प ले लूँगा, क्योंकि वो मेरा इस एक्सरसाइज का लास्ट सेट है, और लास्ट सेट वैसे हम ड्रॉप करते हैं, बट 21 कर्ल में आप वेट को ड्रॉप नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है, बस आपको सेम वेट से ही आपको 21 रेपिटेशन करने हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और सच बताऊं ये वर्कआउट शेड्यूल जो है, ठीक है, ये आपको देखने में बेसिक लगेगा, बट एक्चुअली आप ट्राई करना, आपको क्या बताऊं, करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। बट अब क्योंकि जनवरी से डाइट पे था, 2-4 दिन खाने को मिला, फिर से डाइट पे आ गया हूँ, बट एक्चुअली 2-4 दिन ही खाया जाता है वैसा खाना, अब तो हैबिट ऐसी हो गई है कि जो मेरी अभी ईटिंग हैबिट्स हैं वो इतनी अच्छी हैं, जो मुझे बहुत लाइट रखती हैं, एक्टिव रखती हैं,
जैसे 3-4 दिन कंपटीशन के बाद, 3-4 नहीं हफ्ता, मैंने खूब खाया, बहुत ज़्यादा हैवीनेस, नींद आना, सुस्ती, ये हो रहा था। तो अब सेकंड सेट जो हमने किया था वो हमने 5 और 2.5, तो कितना वेट बढ़ा दिया जाए, तो आई थिंक 2.5-2.5 किलो और बढ़ा देते हैं। बट थोड़ा पानी तो पी सकते हैं, पी लेता हूँ। सो लास्ट सेट करेंगे और 2.5 की प्लेट जो है वो 5 किलो में तब्दील हो चुकी है, तो अब वेट हो गया है 7.5 की बजाय 10 ईच साइड। हेल्प की जरूरत पड़ेगी, शायद तो पड़ेगी, देखते हैं, लेट्स सी। कम ऑन, पड़ेगी हेल्प की जरूरत। 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, अब 7, 1, कम ऑन, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं पड़ी, थैंकफुली नहीं पड़ी, बट कुछ नहीं पड़ी। 3 एक्सरसाइज हो गई हैं, एक एक्सरसाइज हम और करेंगे जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी और जिसके हम 2 सेट करेंगे। जैसे ही 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छा गिव अवे करने की। ऑफ कोर्स विनर होगा, अनाउंस होगा, कैसे आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्या गिव अवे होंगे, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। बट आई थिंक जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ 60,000 की कमी है, 60,000। लास्ट एक्सरसाइज क्या करने वाला हूँ, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, एक रोप की ज़रूरत पड़ेगी हमें ना, थोड़ा सा हाई रेपिटेशन करने की कोशिश करेंगे, 15-20, 15-20, ठीक है। रोप को पकड़ लो इस तरीके से, और लिफ्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 20, फोरआर्म देख रहे हो, पंप हो गया, ये देख रहे हो मसल अलग से निकल गया, बीस रेपिटेशन कर लिए 25 से, बट रिदम बहुत अच्छा था। तो दूसरे सेट में मैं वेट नहीं बढ़ाऊंगा, और ये आपको भी सलाह दूंगा कि जैसे ही आप बहुत ज़्यादा वेट पे चले जाओगे, आपकी एल्बो जॉइंट जो है, बेसिकली जॉइंट ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, तो आपको मसल को पकड़ पकड़ के करना है, ठीक है, करता हूँ, लेट्स डू इट, कम ऑन। बस आप एक्सरसाइज को देखना कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 नहीं हुए, बट ये मेरा फेलियर था, तो ज़रूरी नहीं है मैं 20 करूँ, मैंने बोला था 15 से 20 के बीच में।
तो मैं 16 ही कर पाया। तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स देख रहे हो आप, 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11। ज़्यादा आप कर सकते हो कि अगर आपको ये एक्सरसाइज में उतना फील नहीं हो, आप एक सेट और कर सकते हो। बट मेरा बाइसेप्स ऑलरेडी पंप हो चुका है और मुझे लगता है कि मुझे थर्ड सेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप थर्ड भी करोगे तो 12 सेट हो जाएंगे। आई थिंक बाइसेप्स मसल के लिए काफ़ी है। अब मैं एशिया के दौरान बाइसेप्स अलग करता था और ट्राइसेप्स अलग करता था, ठीक है। तो अगर मैं सुबह ट्राइसेप्स कर रहा हूँ तो मैं शाम को बाइसेप्स कर रहा हूँ, और अगर मैं सुबह बाइसेप्स कर रहा हूँ तो मैं शाम को ट्राइसेप्स करता था। तो मैं आपके लिए एक ट्राइसेप्स की अलग से वीडियो बनाऊंगा जो मैं करता था, आप करना मुझे बताना। बट जब तक ट्राइसेप्स की वीडियो आए, आप इस बाइसेप्स की वीडियो को फॉलो करो और मुझे बताना कि आपको मतलब मसल में कितना पंप फील हुआ और कैसा लगा बेसिकली ओवरऑल। तो इसी के साथ वर्कआउट खत्म हुआ। आप बोलोगे इतना छोटा व्लॉग, पहली बार आया होगा इतना छोटा व्लॉग, बट कोई बात नहीं क्योंकि आज एक्सरसाइज ही कम थी। सो थैंक यू सो मच, इसी तरह चैनल को प्यार करते रहो। मैं आपके समक्ष आता रहूँगा, यूजफुल कंटेंट बनाता रहूँगा। और अभी एशिया के दौरान जो जो हमने किया वो सभी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। धन्यवाद, नमस्ते।